Hello students, welcome to the YouTube channel of Shresham School. I hope you all are doing well. Today's video for class 2. Today we're gonna start with first chapter of your English reader book, that is English Improver. And the first lesson of this book is a poem, and the name of the poem is The Sun and the Moon, and the poet name is Charlotte Druitt Cole. The poet name is Charlotte Druitt Cole. Okay, so let's start with the poem. First of all, I want to tell you that we are going to learn in this chapter that who made the sun and the moon and how they look and what are the age of the sun and moon. How old they are. So all these things we're gonna read in this poem. So let's start. The moon shines clear as silver. The sun shines bright as gold. And both are very, very lovely and very, very old. So, इस first paragraph में poet क्या कह रहा है? The moon shines clear as silver. जो moon इतना clear मतलब होता है साफ. इतना clear चमक रहा है जैसे silver चमकता है. जो moon है वो इतना क्लियर है, इतना साफ है जैसे कि चांदी. द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड. जो सन है वो कैसे चमक रहा है? जैसे सोना चमकता है. जैसे सोना चमकता है ऐसे ही हमारा सन चमकता है. एंड बोथ आर वेरी वेरी लवली. और दो ये दोनों जो सन और मून है ये दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं. एंड वेरी वेरी ओल्ड. और बहुत ही ज्यादा पुराने हैं. मतलब क्या है इसका? कि बहुत ही बहुत पहले से ये हमें दिखाई देते हैं. क्लियर है? एक बार दोबारा सुन लीजिए. द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर. जो मून है वो कैसे चमकता है? जैसे चांदी चमकती है. जैसे चांदी साफ होती है ऐसे ही हमारा मून क्लियर है. द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड. जो सन है हमारा ऐसे चमकता है जैसे गोल्ड चमकता है. बोथ आर वेरी वेरी लवली. ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं. एंड वेरी वेरी ओल्ड. और बहुत ही पुराने हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ मीनिंग्स भी लिखे हैं, शाइन का, ब्राइट का, लवली का. तो आप ये अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा. गॉड हंग देम अप एज लैंटर्स फॉर ऑल बेनिथ द स्काई एंड नोबडी कैन ब्लो देम आउट फॉर दे आर अप टू हाई. इस पैराग्राफ में पोएट क्या कह रहा है? God hung them up as lanterns. Lanterns का मतलब होता है लालटेन. लालटेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी उस टाइम पे, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती थी वो लैंटर्न्स लालटेन होता है. हंग का मतलब होता है टांगना. God hung them up as lanterns. God ने उन्हें टांग रखा है जैसे कि लालटेन टांग देते हैं वैसे ही. देखिए किनको? सन और मून को. फॉर ऑल बेनिथ द स्काई, पूरे आसमान के नीचे. देखिए किस लिए टांग रखा है? ताकि हमें रोशनी प्रोवाइड करे. जैसे हमें लैंटर्न्स रोशनी देते हैं ऐसे ही हमें सन और मून दोनों रोशनी देते हैं. तो ये स्काई के नीचे क्या है? दोनों गॉड ने बनाए हैं और गॉड ने इन्हें टांग रखा है ताकि ये हमें रोशनी प्रोवाइड करते रहे. एंड नोबडी कैन ब्लो देम आउट. और कोई भी इन्हें उड़ा नहीं सकता है. और कोई भी इन्हें उड़ा नहीं सकता है. नोबडी का मतलब होता है कोई भी. फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचे हैं. हाँ जी, कोई भी इन्हें नहीं उड़ा सकता है. क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ऊंचे हैं, तो इन्हें कोई भी उड़ा नहीं सकता है. तो ये हमारी सिंपल सी पोएम थी. इसमें सन और मून के बारे में बता रखा था आपको. आप ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड्स, इनके मीनिंग्स सर्च कर सकते हैं और बाकी इसको अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा. मैं इसकी एक वर्कशीट तैयार करके आपको प्रोवाइड करूंगी जिससे आप उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे. ओके देन, टिल देन थैंक यू, बाय बाय.